क्या नाम है? दिल्ली आते हैं क्या लेके चलेंगे? दिल्ली आते हैं ना, बढ़िया खाना बनता है, खाना मिल जा रहा है बढ़िया, कैसा बनता है? ठीक है। लॉकडाउन अभी चल रहा है, आप लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि खिचड़ी का आयोजन किए हुए हैं गरीब लोगों को, अभी खाना का बहुत दिक्कत है। क्या कहना चाहेंगे, कब से स्टार्ट किए हुए हैं ये? रामनवमी 2 अप्रैल से हम लोग चालू किए हुए हैं और ये हम लोग लगातार 2 तारीख से 14 तारीख तक खिलाते जा रहे हैं। कभी दाल भात सब्जी, कभी तहरी खिलाते हैं, कभी पूरी सब्जी और बीच में जितने हैं खिचड़ी खिलाते हैं। कितने लोग यहाँ पे लगभग पहुँचते हैं? डेली 400 से 500, 600 खिलाते हैं, जैसे किसी दिन 400, किसी दिन 500, किसी दिन 600, जिसकी भीड़ रहती है। और 11 बजे हम लोग चालू करते हैं, 1 बजे तक रखता है, सब बच जाता है तो हम लोग 2 बजे इंतजार करके खिला के ख़त्म करते हैं, और जो बच भी जाते हैं तो घर वाले जो गरीब आदमी। कितने लोग का आपका टीम है जो इसमें सहयोग करते हैं? हमारे टीम में श्रम दान करने वाले 10 सदस्य हैं। ये जो खर्च आ रही है आप लोग 10 मिलकर? नहीं, मैं स्वयं कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं? और किन्हीं को अगर देने चाहते हैं वो देते हैं, कोई देना चाहे तो दे सकते हैं, देते हैं, वो ले लेते हैं। अभी मांगने के लिए किसी नहीं जाते हैं। लग रहा है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, कई राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है, उसके बीच में आप लोग फिर से क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग फिर बीच में आपस में कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे, शहरवासी बहुत लोग हैं यहाँ? शहरवासी हमारे जैसे रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, दूध वाले हैं, बाहर से जो आदमी फंस गए हुए हैं, जो बहुत से आदिवासी लोग यहाँ काम करते हैं मिल मजदूर में, वो काम बंद हो गया, उन लोग को कहीं उपाय नहीं है, उस सबको हम लोग गाड़ी वाला रोक के खाना खिलाते हैं। बहुत आदमी सब्जी वाले तो पैसा रहते हुए दुकान बंद हो जाता है, खाना नहीं मिलता, उन लोगों को भी हम लोग सेवा कर रहे हैं। और हमारी टीम लगातार 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपकी सेवा में लगा हुआ है। और किन्हीं को डंके की चोट में बोलना चाहता हूँ, इस एरिया में कोई रात में भूखे नहीं सोते हैं और सबको हम लोग भोजन कराते हैं। मेरा जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे लालू भक्त जितने भी हैं पूरे स्टेट में, आज पूरे जिला में हम लोग अपील किए हैं, जितने भी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता नेता और सभी जितने कार्यकर्ता हैं, सारे लोगों को अपील किया गया है कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी हैं, जो जो जितना सक्षम है, सारे लोग अपने ओर से राशन पानी का व्यवस्था करना है। गरीब गुरुआ जो भूखे मर रहे हैं उसके लिए खाना का व्यवस्था करना है। आज देख रहे हैं, आज जो है यहाँ आपको नरेश साहब जी के तरफ से जो है इन्होंने खिचड़ी का प्रबंध किया है, गरीब लोगों को जो है खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है। हम भी जो है वितरण किए इनके सामने, तो हम लोग सारे जगह जितने भी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता नेता और प्रखंड अध्यक्ष, सारे लोगों को हिदायत किया गया है कि जहाँ जो जितना सक्षम में है, सारे लोग अपने स्तर से भोजन का व्यवस्था करना है, राशन का व्यवस्था करना है, मास्क का व्यवस्था करना और हैंड वॉश का व्यवस्था करना, ये सारे सैनिटाइजर की कमी है। झारखंड एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ पे आपकी सरकार है, तो बहुत सारे मजदूर गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो खाना उनको नहीं मिल पा रहा, राशन नहीं मिल पा रहा, उस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, राशन जो है सरकार के तरफ से पूरा मुहैया करने के लिए आदेश हो गया है और लोगों को दिया भी जा रहा है। जितना राशन कार्ड वाले हैं, जिसको राशन कार्ड है अवेलेबल है उसको सब दिया जा रहा है, जिसको राशन कार्ड नहीं भी है उसका भी इंतजाम किया जा रहा है और सब जगह वितरण किया जा रहा है। और हम लोग भी पहल करके अपने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, महागठबंधन की ओर से हम लोग जो है वितरण कर रहे हैं और लोगों को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा, इतना हम लोग संकल्प किए हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग कि किसी को भूखे नहीं मरने देंगे। कल आपके सरकार का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस से, वो बता रहे थे कि हमारे राज्य काफ़ी पिछड़ा है, जो काफ़ी मजदूर आने वाले हैं बाहर से, तो उनके लिए खाने का रहने का बहुत सारा दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें महागठबंधन की ओर से जो मांग किया गया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी सक्षम है और मांग किया गया है, कोई भी मजदूर, कितनों भी मजदूर हमारे जो झारखंड के मजदूर हैं बाहर गए हैं, वो जो भी आने वाले हैं और जो भी हैं, सबको भोजन का व्यवस्था किया जाएगा, भूखे किसी को नहीं रहने।